हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल। तो आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा ये तीसरा वीडियो है जीके जीएस रोज का। डेली आपको 1 बजे एक वीडियो जाता है जिसमें हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही छोटा टॉपिक होता है जो आप लोग स्किप कर देते हो काफ़ी कुछ करके और बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेकिन वो आपके लिए, तो वो हम लोग कवर करते हैं यहाँ पे। तो आज उसी क्रम में हम लोग कवर करेंगे महारत्न कंपनीज के एग्जाम, जितनी भी महारत्न कंपनीज हैं भारत की उनके नामों को हम देखेंगे, उसके बाद एक ट्रिक देखेंगे जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कितनी महारत्न कंपनीज हैं। तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं हम लोग। भारत में 10 महारत्न कंपनियां हैं और चलिए जानते हैं कि शर्तें क्या हैं। तो महारत्न कंपनियों का दर्जा पाने के लिए शर्तें हैं कि उसका जो टर्नओवर है 3 साल का, पिछले 3 साल का टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए। कितना? 25,000 करोड़ पिछले साल 3 साल का टर्नओवर होना चाहिए। और उसके बाद नेटवर्थ जो होनी चाहिए वो 15,000 करोड़ की होनी चाहिए, 15,000 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए। और उसका नेट प्रॉफिट जो होना चाहिए वो 5,000 करोड़ का होना चाहिए, 5,000 करोड़ का होना चाहिए। और याद रखिएगा, इस नेट प्रॉफिट में आफ्टर पेइंग ऑफ टैक्स, यानी जब वो टैक्स का पेमेंट कर देगा उसके बाद का जो प्रॉफिट है वो काउंट होगा। तो ये चीज़ होती है, ये इतनी चीज़ किसी भी कंपनी के पास हो जाएंगी तो महारत्न का दर्जा पा जाएगी। तो महारत्न का दर्जा अब तक 10 कंपनियों के पास है भारत में। चलिए देखते हैं कंपनियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये हैं वो 10 कंपनियाँ, देखते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये ON जो मैंने लिखा है इसको आप अभी इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये मैंने आपको ट्रिक समझाने के लिए लिखा है। अभी सिर्फ आप ये नाम देखिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी ONGC। और उसके बाद NTPC है, गेल है, कोल इंडिया लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। तो ये 10 महारत्न कंपनियाँ हैं। और इसी को चलिए हिंदी में हम एक बार देख लेते हैं। हिंदी में है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी सेल। ठीक, तो ये था पूरा फुल फॉर्म। ये जो 10 कंपनियाँ थी महारत्न की उनका पूरा फुल फॉर्म था। ये 10 कंपनियाँ आप लोग याद कर लीजिए, अगर ऐसे याद होता है तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए कि ये 10 कंपनियां हैं। अगर ऐसे नहीं याद होता तो चलिए हम आपको ट्रिक बताते हैं आप कैसे इनको याद कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा इनका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा क्योंकि मैंने आपको फुल फॉर्म इनका बता दिया है। तो चलिए शॉर्ट फॉर्म से हम लोग देखेंगे। आपकी ट्रिक है, SBI ने ONGC और HP को भारत बुलाया। ट्रिक क्या है? SBI ने ONGC और HP को भारत बुलाया। जितनी भी इंग्लिश की टर्म्स लिखी हैं इनको आपको देखना है, जितनी की हिंदी की टर्म्स जैसे ने और को बुलाए ये सब स्किप कर दीजिए, हिंदी के टर्म्स को आपको ध्यान नहीं देना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेंगे। तो SBI पे हम लोग ध्यान देंगे तो S से बनेगी सेल कंपनी, B से बनेगी भेल और उस I से बनेगी IOCL। तो ये 3 कंपनियां हो गई SBI से। SBI में S से हो जाएगा सेल, B से हो जाएगा भेल और I से हो जाएगा IOCL। इनके फुल फॉर्म आपको पता होंगे, मैंने अभी आगे आपको इन कंपनियों के बारे में बताया, इनका विस्तृत नाम भी मैंने लिखा था। तो SBI से 3 कंपनियां हो गई, ONGC, SBI ने ONGC में अगर आप लोग बात करेंगे तो ONGC में O से हो जाएगा ONGC ही हो जाएगा, ONGC एक कंपनी है। उसके बाद N से हो जाएगा NTPC, G से हो जाएगा गेल, C से हो जाएगा CIL। तो ONGC से ये 4 कंपनियां क्लियर हुई आपकी, ONGC, NTPC, गेल, CIL, ये ONGC हो गया। उसके बाद HP है हमारा इंग्लिश का टर्म, HP में भी 2 कंपनियां छुपी हुई हैं, कौन कौन सी देखिए, H से हो जाएगा आपका HPCL और उसके बाद P से हो जाएगा आपका पावर ग्रिड कॉरपोरेशन करके एक कंपनी है वो हो जाएगा। ये 2 कंपनियां और हो गई आपकी। उसके बाद है भारत, आपके पास भारत से पूरा भारत से सिर्फ एक ही कंपनी है, वो है BPCL। BPCL का फुल फॉर्म क्या होता है तो अभी मैंने आपको बताया, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा और ये ट्रिक आपको आप याद तो ट्रिक से याद कर सकते हैं 10 महारत्न कंपनियों से। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं तो 10 यहाँ से आप याद कर सकते हैं ट्रिक से, अगर आपको याद हो रहा है ट्रिक से याद कर सकते हैं या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये आज का सेशन था हम लोगों का, एक बहुत ही शॉर्ट सेशन था और आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट टॉपिक पे आप किस चीज़ के लिए चाहते हैं आप टॉपिक ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं अगले उसी टॉपिक पर ही एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना सकूँ।